अब देख रहे हैं देश खबर 24 और जारी है खबरों का सिलसिला। प्रदेश सरकार भले ही किसानों को कर्ज माफी से लेकर खरीदी तक राहत देने का काम कर रही है, लेकिन बिचौलिए सरकार के साथ साथ अन्नदाता किसानों को भी चपत लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। दरअसल ताजा मामला आया है जबलपुर का, जहां धान खरीदी की आड़ में बिचौलियों और व्यापारियों की मिलीभगत से करीब 36 करोड़ 30 लाख रुपए कीमती खराब धान खरीदी गई है। समितियों द्वारा अच्छी धान की आड़ में यह खरीदी की गई है। बता दें कि जब समितियों द्वारा खरीदी गई धान गोदाम में रखी जा रही थी, उसी समय यह मामला प्रकाश में आने के बाद जिला प्रशासन के अधिकारी सख्ती में आ गए। मामला प्रकाश में आते ही हरकत में आए अधिकारियों ने खराब धान को रिजेक्ट करते हुए धान का भुगतान करने रोक लगा दी है। अब इस मामले में जिला प्रशासन व्यापारियों, किसानों और धान खरीदी वाली समितियों के खिलाफ FIR दर्ज कराने जा रही है। दरअसल धान खरीदी शुरू होने से पहले ही जिला कलेक्टर ने निर्देश जारी कर कहा था कि किसी भी सूरत में घटिया क्वालिटी की धान की खरीदी न की जाए। बावजूद इसके समितियों ने व्यापारियों और किसानों से सांठगांठ कर 20,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी कर डाली। इस खराब धान की कीमत करीब 36 करोड़ 30 लाख रुपया की जा रही है। अब मामला प्रकाश में आने के बाद जिला प्रशासन अब खराब धान खरीदने वाली समितियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। ये धान खरीदी की जितने भी हमारा सरकार की मंशा ये है कि सही वाला धान खरीदी जाए और जो फार्मर्स को जो है वो प्रॉब्लम जो है बिल्कुल नहीं हो, तो इसमें हम लगातार प्रयासरत है। अभी भी जैसे मजोली में, पाटन में हम लोगों ने कुछ कार्रवाई अभी की है, जिसमें कुछ ट्रक्स वगैरह में एक्सेस बोरिया ले जाके ट्रांसपोर्ट भी कर रहे थे। जितने भी समितियों में जो भी गड़बड़ी होंगी उसमें ज़रूर FIR की जाएगी और कार्रवाई की जाएगी।